कुमार देवर्षि के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो। इस घोर जंगल में कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने, भगवान को प्रसन्न करने। नारायण नारायण, मगर तुमसे। नहीं नहीं महामुनि, मैं तपस्या करूँगा। एक आवाज मुझे यहाँ तक खींचती हुई लाई है, एक प्रकाश जो मुझे रास्ता दिखा रहा था, और मेरी आत्मा बार बार मुझसे कह रही है कि चल आगे बढ़, उस भगवान की गोद में चलकर बैठ जहां से तुझे कोई न उठा सके। बताइए महामुनि, भगवान कहां मिलेंगे, बताइए ना। तुम धन्य हो राजकुमार, यहां से कुछ दूर यमुना के किनारे मधुबन नाम का एक सुंदर वन है, वहां जाओ। बड़े बड़े भक्तों ने वहां भगवान को पाया है, वहां जाकर सब जगहों से अपना मन खींचकर भगवान के चरणों में लगा दो। लेकिन मैंने तो भगवान को देखा तक नहीं, उनके चरणों का ध्यान कैसे करूंगा? उनका रूप तो मुझे बताइए। रूप? जिस रूप को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं देख पाते, योगी हजारों वर्ष समाधि लगाने पर भी जिसका पार नहीं पाते, उस रूप का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है बालक। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। ये संसार भगवान का रूप है। अपनी आत्मा से इस संसार को देखो, इस संसार के हर जीव में अपने आप को देखो, और ये देखते हुए ओम नमो भगवते नारायणा जपा करो। जिस दिन तुम अपने आप को भूल जाओगे, उस दिन निराकार भगवान साकार होकर तुम्हें दर्शन देगा। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। कल्याण हो बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जाओ, मैं तुम्हारी माँ को समझाने जाता हूँ, वो बेचारी तुम्हारे शोक में पागल हो रही है। नारायण नारायण। इसमें किसी का दोष नहीं राजन, भगवान की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं महाराज, इसमें सारा कसूर मेरा ही है। अगर मैं चाहता तो वह यहां से कभी न जाता। एक क्षत्रिय का बालक तीर और तलवार की चोट बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जबान से निकले हुए तीखे तीर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूलते हो राजन, कारण के बिना कोई काम नहीं होता। तुम्हारे इस राजमहल की घटना में विधाता का हाथ है। अब अपने मन को धीरज दो, देवी तुम भी शांत हो जाओ और उसके सफल होकर वापस आने का इंतजार करो। मगर वो है कहाँ? मधुबन में। नमो भगवते नारायणाय। ओम 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 नमो भगवते नारायणाय। सोहम 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 सोहम। ओम नमो 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 ओम 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 ओम
ये किसकी आवाज है? वो देखिए देवराज, नीचे कोई तपस्या कर रहा है। ओम ओम ओम। ये कौन है गुरुदेव? राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव, आज 3 महीने से घोर तपस्या कर रहा है। घोर तपस्या क्यों? ऐसा स्थान पाने के लिए जहाँ से उसे कोई न उठा सके। तब तो ये तपस्या मेरे इंद्रासन के लिए है, मुझे इसका उपाय करना चाहिए। ये कैसे कहा जा सकता है? हाँ, उपाय करना कोई बुरा नहीं। कुछ भी हो, मैं अभी देखता हूँ। भगवान, मेरे बालक की रक्षा करना। वो मेरा नहीं, तुम्हारा बालक है। परेशान हो रहे हो? भगवान के भक्तों से लोहा लेना ठीक नहीं। मैं जाओ, लौट जाओ। मगर मुनिराज। अगर मगर कुछ नहीं, उस बालक से डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो जिस चीज के लिए तपस्या कर रहा है वो लेकर ही रहेगा, त्रिलोकी की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। ओ नहीं देवी, एक बालक तपस्या कर रहा है। बालक और तपस्या? हाँ, 6 महीने से तपस्या कर रहा है। उसके पैर के अंगूठे से दबी हुई धरती कांप रही है। अब तो उसने अपनी सांस भी रोक ली है। इससे प्राणी मात्र का सांस रुक गया है।
अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। 7 साल के बालक ने आज मेरा आसन हिला दिया। ध्रुव आंखें खोलो, ध्रुव देखो मैं आ गया तुम्हारे सामने। धन है प्रभु आपको और धन है आपके भक्त को, और भक्त भी ऐसे कि भगवान द्वार खटखटा रहे हैं लेकिन भक्त को परवाह तक नहीं। ये सब तुम्हारी ही लीला है। कुछ भी हो भगवान, यहाँ दाल नहीं गलने की। ये भक्त आपको ऐसा मिला है कि बस। ये क्या? देखो बालक मैं आ गया। आप कौन हैं? जिसका तुम ध्यान कर रहे हो। मैं तो विश्वरूप भगवान का ध्यान कर रहा था, उस ज्योति को देख रहा था जो संसार की हर चीज में जगमगा रही है। निराकार भगवान साकार होकर मेरे सामने आए हैं, इसका सबूत। क्या मुझे भी सबूत देना होगा? नहीं तो मुझे कैसे विश्वास हो। अच्छी बात है, देखो मेरी ज्योति को देखो, इसमें से जैसा रूप तुम चाहोगे वैसा ही रूप प्रकट होगा। धन्य हो बालक, आज तुमने सचमुच भगवान को वश में कर लिया। गुरुदेव। हाँ भैया, आज तो तुम मेरे गुरु हो। चलो प्रार्थना शुरू कर दो। चलो दिखाओ।
बालक जग छोड़ शरण में आया, जग छोड़ शरण में आया, तुम दीना बंधु करुणान धार लो, अपना दास बनाया, मुझे अपना रूप दिखाया, अब चरण धूल दे जाओ, अब चरण धूल दे जाओ। बोलो भक्त, क्या चाहिए तुम्हें? बालक, आज तुम जो मांगो वही तुम्हें मिल सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इन चरणों को पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। नहीं, जिस चीज को पाने के लिए तुम घर से निकले थे वो तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। पिता की गोद, पिता का राज सिंहासन और मेरी गोद, तीनों तुम्हारे लिए खाली है। तुम जहां चाहो वहां बैठ सकते हो। इसके सिवा जो स्थान आज तक किसी को नहीं मिल सका वो स्थान मेरा अभिचल पद, अभिचल पद भी मैं तुम्हें देता हूं। आज से उस लोक का नाम ध्रुव लोक होगा। सप्तऋषि मंडल तुम्हारे उस लोक की परिक्रमा करेगा। भगवान, आपकी बड़ी कृपा। वो रहा ध्रुव। माँ, माँ। नारायण नारायण, कल्याण हो कल्याण। माँ बेटा, माँ भगवान ने मुझे अविचल पद दिया है, मुझे वहां से कोई नहीं हटा सकता। ध्रुव, मुझे माफ करो बेटा। ये क्या कर रही हो माँ, तुम तो मेरी माता से भी बड़ी हो। अगर तुम मुझे पिताजी की गोद से न हटाती तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते? तुम तो मेरी गुरु हो माँ। नहीं नहीं बेटा, चलो बेटा घर चलो। पिताजी। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं राजन, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ये सब भैया की ही लगाई हुई आग थी। भैया की? हाँ राजन, इनकी मेरे साथ बहस हुई थी और उस बहस में जीतने के लिए ही ये सारा प्रपंच रचाया गया था। तुम्हारा दूसरा विवाह कराया, महारानी सुनीति को भगवान की भक्ति में लगाकर बालक के जन्म से पहले ही उसके संस्कार पवित्र बनाए, फिर रानी सुरुचि को भड़का कर बालक को राजमहल से अपमानित कराकर निकलवाया, ये सब इन्हीं की माया थी। अच्छी बात है बहन सरस्वती, जी भर कर बदनाम कर लो। आज से कान पकड़े, जो फिर कभी मनुष्य लोक की तरफ कदम रखूं तो मुझे। भैया कसम ना खाओ, कसम हजम ना हो सकेगी। और कहीं तुमने मनुष्य लोक में जाना बंद कर दिया तो धरती पर महापुरुषों का जन्म लेना ही दुर्लभ हो जाएगा। जब तक तुम और तुम्हारी वीणा है तब तक त्रिलोकी में भक्ति का डंका बजता ही रहेगा। तुम्हारे ही कारण आज ये अविचल पद पा रहे हैं। देखो बुलाने आए बिता
प्रकाश फैलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए, मेरा दीपक जुग जुग जले, जुग जुग प्रकाश फैलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए, जुग जुग प्रकाश फैलाए, जुग